तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है इस नई सेना भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, और इन सब के बवाल, हंगामे, हिंसक प्रदर्शन के बीच में सेना की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि इन्हें कैसे प्राथमिकता दी जाएगी। आठवीं और बारहवीं पास के लिए भी सेना में जगह अब खुल चुकी है। जो लोग देश भावना रखते हैं उनके लिए भी देश सेवा का अवसर अब मिलेगा और बहुत जल्द मिल जाएगा। नोटिफिकेशन तीनों सेनाओं की तरफ से जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट आई है, हम आपको दिखाते हैं। सेना में बंपर भर्तियां, सेना का ऐलान 6 कैटेगरी में भर्ती। हंगामा छोड़ो, तैयारी में जुटो अग्निवीर। थल सेना और वायु सेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों सेनाएं युवाओं की बंपर भर्ती की तैयारी में जुट गई हैं। अब अग्निवीरों के पास ज्यादा समय नहीं है। अगर किसी की तैयारी कमजोर रही तो उसका देश सेवा का सपना टूट सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं, हंगामा प्रदर्शन छोड़ो, तैयारी में जुट जाओ अग्निवीर। अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए थल सेना में 6 कैटेगरी बनाई गई है। पहला जनरल ड्यूटी, दूसरा टेक्निकल, तीसरा टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर, चौथा क्लर्क, स्टोरी कीपर टेक्निकल, पांचवा ट्रेड्समैन दसवीं पास, छठा ट्रेड्समैन आठवीं पास। अग्निपथ योजना के तहत आठवीं और दसवीं पास युवाओं को भी सेना में भर्ती का मौका मिलेगा। जुलाई के पहले हफ्ते में अग्निवीर भर्ती रैली के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए www.joinindianarmy.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेना का पूरे देश में 13 जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस है और 83 रिक्रूटमेंट रैलियों के जरिए युवाओं की सेना में भर्ती होगी। अगस्त में अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती होगी। ये भर्तियां अक्टूबर तक चलेंगी। इसका हम कर रहे क्या है, इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। अग्निवीरों के लिए 17.5 साल की उम्र सीमा से लेकर 23 साल तक की उम्र सीमा रखी गई है। 2022-23 के लिए उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी गई है। ये छूट सिर्फ इस साल एक बार ही मिलेगी। 4 साल के बाद चुने गए 25% अग्निवीरों को अगले 15 साल के लिए सेना में शामिल किया जाएगा। वायुसेना ने भी अग्निवीर के लिए 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। 24 जुलाई से फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा और 21 नवंबर को पहला अग्निवीर बैच ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाएगा। इसमें महिला अग्निवीर भी शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।